और अभी जो मैं शूट कर रहा हूँ वो 1080 60 FPS पे शूट कर रहा हूँ। और जो माइक है मैंने मेरे चिक्स के पास रखा है। भाई साहब रोंगटे खड़े हो रहे, एक एक कदम एक जगह पे रुके क्योंकि मेरी गाड़ी जो है वो थोड़ी ओवरहीट हो गई है। बस देखो इंजन पे सुखाने डाल दो था। So hello guys, welcome back to my channel. I am Nish and you are watching Traveler Nish. So I hope आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा। ये मैंने जो GoPro लिया है इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी कि ये मैंने किस तरह से परचेस किया है। Amazon से बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, उसके रिलेटेड मैंने वो वीडियो में कवर किया था। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर वो वीडियो देखिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूंगा। So आज अपना टॉपिक है कि ये GoPro और एसेसरीज। मैंने पिछले वीडियो में भी मैंने कहा था कि GoPro लेना मतलब सिर्फ GoPro लिया और काम हो गया, ऐसा नहीं। एसेसरीज की लंबी चौड़ी लिस्ट आती है। अगर आपको मोटो ब्लॉगर चाहिए, मतलब मोटो ब्लॉगर आपको अगर बनना है उसके रिलेटेड कुछ, अगर आपको कैमरा सेटअप करना है मोटो ब्लॉगर के रिलेटेड, तो बहुत सारी एसेसरीज बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो भाई ये है पहाड़, ये देखो ये है पहाड़ एसेसरीज का। ये सब एसेसरीज आपको GoPro लेने के बाद देनी पड़ती है। और ट्रस्ट में गाइस ये कोई मतलब सस्ती वाली एसेसरीज नहीं है, ये काफी महंगी है। और ये सेटअप करते करते आपका जो GoPro है वो ओवर बजट चला ही जाता है। 100% मेरा भी गया है, बट अब क्या करें यार, खैर कंपटीटर कोई है नहीं, GoPro तो GoPro ही है। तो आपका अभी टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते वीडियो। जो GoPro में यूज करने वाला हूँ अपने ब्लॉगिंग में, अपने मोटो ब्लॉगिंग में, तो वो है ये GoPro और ये 9 है GoPro 9। तो ये हो गया अपना कैमरा। तो भाई अब बात करते हैं एसेसरीज की। तो एसेसरीज में सबसे इम्पोर्टेंट आती है ये अडेप्टर। मतलब ये ना हार्डली मैं बोलूँ ना भाई लोग, तो मतलब कसम से बोलूँ तो 1000-1500 का ये माल रहेगा, लेकिन इसकी कॉस्ट है 4000। अब ये मैंने भी क्रोमा से ही लिया है, ऑनलाइन भी मिलता है, ऑनलाइन भी कुछ 4000 समथिंग है, बट मैंने ये भी क्रोमा से ही लिया था। मतलब ये इतना सा पार्ट है, लेकिन इस पार्ट के बगैर आप मोटो व्लॉगिंग कर ही नहीं सकते। ट्रस्ट मी, स्पीकर से आप रिकॉर्ड कर सकते हो बट उसका वॉइस इतना अच्छा नहीं आता। तो अगर आपको माइक चाहिए जो हेलमेट के अंदर लगता है तो उसके लिए आपको ये लेना बहुत कंपलसरी है। और एक 4000 का चीज, मतलब देखोगे आपको शायद पता भी होगा ये चीज, लेकिन ये चीज सिर्फ इतना सा है। ये इतना सा एडेप्टर है, ये जाता है आपके GoPro में, और यहाँ पे दो होल है, ये आपकी चार्जिंग है, और यहाँ पे माइक का होल है। तो ये इतनी चीजें। और वैसे भी है GoPro का ये खुद का, तो बस भाई पैसे कमाने के धंधे हैं। तो ये इतनी सी चीज 4000 की आती है। खैर अभी मजबूरी है, क्या कर सकते हैं, ले लिया। इसको रखते हैं साइड में। दूसरी चीज है ये भी एसेसरीज में आता है, मतलब ये मैंडेटरी है नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड है। मैं आपको खोल के दिखाता हूँ ये क्या है। तो बेसिकली ये एक सिलिकॉन कवर है। मतलब आप अगर GoPro से शूट कर रहे हो, कभी GoPro आपके हाथ से गिर गया तो उसको डैमेज ना हो, उसके लिए सिलिकॉन कवर है। मतलब ये GoPro के ऊपर कवर की तरह आ जाएगा और आप लेंस भी प्रोटेक्ट कर सकते हो इससे। GoPro 9 के मॉडल में बेसिकली 3 प्रोटेक्ट करने की चीजें हैं। ये पीछे की स्क्रीन, ये सामने की फ्रंट स्क्रीन, और ये लेंस। तो इसके लिए ये है लेंस प्रोटेक्टर, और ये है जो आपकी डिस्प्ले है वो प्रोटेक्टर, और ये सिलिकॉन कवर। वैसे तो मैंडेटरी नहीं लेना, बट यार क्या अभी इतना 50-60 हजार का अगर कैमरा यूज करोगे, अभी तो खैर 40,000 कीमत हो गई है, तो भाई ये चीज तो बनता ही है लेना। तो ये मैंने ले लिया, कुछ हार्डली 350 रुपीज का ये है। इतनी सारी चीजें तो 350 रुपीज में ठीक है यार, मतलब अगर सेव हो रहा है क्या इतनी बड़ी चीज, तो फिर चलो खर्चे में और एक खर्चा। इसको भी रख देते साइड में। ये वैसे आपके ऊपर लेना है नहीं लेना है, लेकिन फिर भी यार अगर आप इतना मतलब कॉस्टली कैमरा अगर यूज करते हो तो मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि आप ले लो। ये है तीसरी चीज, ये भी काफी इम्पोर्टेंट है। इसको भी मैं अनबॉक्स कर देता हूँ। ये जो चीज है वो है ये माइक। अब मोटो ब्लॉगिंग आ गई तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और ये है माओनो का माइक। तो ये माइक मैंने भी Amazon से लिया है, से आता है। ये है क्लिप आपको हेलमेट में अटैच करने के लिए, और ये है माइक, छोटा सा ये है। और ये इसकी वायर काफ़ी लंबी है, मतलब ये बहुत सही चीज़ है। आप आपकी तरफ से इसको एडजस्ट कर सकते हो हेलमेट में, मुंह के सामने या फिर पीछे। ज़्यादातर ऐसे साइड में लगाना ठीक रहता है, तो फिर वो एडजस्ट कर सकते हो। और ये भाई सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मतलब इसका एक फंडा है GoPro का। आपने बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा या फिर कई मोटो ब्लॉगर से सुना होगा। तो यहाँ पे आप देखोगे ना, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ये जो अब ब्लैक जो लाइन देख रहे हो वो 3 है और यहाँ पे 2 है। ये TRS और TRRS का कॉम्बिनेशन है। मतलब जो GoPro है उसके अंदर आप ये जो माइक है सीधे से नहीं लगा सकते ऐसे डायरेक्ट। आप ऐसे अगर डायरेक्ट इसमें लगाओगे, मतलब इस पे आप ऐसे डायरेक्ट नहीं लगा सकते। ये जाने के लिए तो जाएगा, जब आप इसको कनेक्ट करोगे तो उसमें वॉइस नहीं आएगी, क्योंकि GoPro में पता नहीं क्या फंडा है। ये जो 2 लाइन वाला आपको दिख रहा है सिर्फ यही इसको कंपेटेबल है। मतलब आपको सबसे पहले इसको इसमें इंसर्ट करना होगा कुछ इस तरह से, देन फिर इसको आपको अडेप्टर में इंसर्ट करना होगा, तो ये सेटअप कुछ इस तरह से बन जाएगा। देन उसके बाद फिर आपको ये GoPro में लगाना पड़ेगा, तो तब जाके आपका ये माइक वर्क करेगा। विदाउट इस छोटे से कनेक्टर से आपका माइक वर्क बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड, बट पता नहीं यार, अभी इतना महंगा जब हम कैमरा लेते हैं तो फिर यार ये छोटी सी चीज़ के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। ये चीज़ मुझे सच में समझ में नहीं आई, बट अभी क्या कर सकते हैं, मजबूरी है भाई। तो ये सेटअप इस तरह से बन जाता है। तो ये है माओनो का वाइक, जो कि मुझे 450 में आया। ये भी मैंने अमेजोन से ही परचेस किया है। तो भाई अब इतना सब तो हो गया, अब इसको इकट्ठा करने के लिए कुछ चाहिए ना, कुछ ऐसी चीज जो कि एक साथ में ये सब चीजें उसमें बैठे और वो अपना मोटोव्लॉग सेटअप बने। तो उसके लिए आती है ये चीज। अब ये भी मैंने अमेजोन से ऑर्डर की है। ये यांतले कंपनी का है, और जो मैंने आपको ये केस दिखाया ये भी सेम कंपनी का है, सिलिकॉन केस, और ये भी सेम कंपनी का। हालांकि दूसरी एक कंपनी भी आती है उलान जी, तो उसका मैंने नहीं लिया, तो मुझे ये अच्छा लगा तो मैंने ये लिया। अब ये चीज ये है, या आप यहाँ पे देख सकते हो, ये GoPro 9 कंफर्टेबल केस है। सो ये वो चीज है, ये चीज लेनी आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसके बजाय आपका GoPro आपके हेलमेट पे आएगा ही नहीं। अब ये चीज क्या है मैं आपको दिखाता हूं। तो ये केस है कुछ इस तरह से, इसको आप यहां से प्रेस करके ओपन कर सकते हो, देन इसको भी यहां से प्रेस करके ये ओपन कर सकते हो। तो ये कुछ इस तरह से केस ओपन हो जाता है। देन आपका GoPro जो है, आपको आपकी बैटरी का जो साइड है वो खोलना होगा यहां से। फिर ये जो है ना, ये कवर ये एक्चुअली निकलता है, इसको आप थोड़ा सा हल्का सा पीछे प्रेस करो, ये हाथ में आ गया। तो फिर ये जो GoPro है ये जाएगा आपका इसके अंदर और आपकी केस हो जाएगी बंद कुछ इस तरह से। अब इसमें आपको ये स्लॉट दिख रहा होगा, ये स्लॉट बेसिकली इसके लिए है। ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि ये सब सेटअप है ना एक जगह पर रह जाता है, इधर उधर लटकता नहीं है। तो ये जो है ये आपको इसके अंदर से डालना है और ये इस पे फिट आ जाएगा। ये आ गया इस पे फिट। यहां से आप चार्जिंग भी कर सकते हो, सॉरी यहां से आप चार्जिंग कर सकते हो, और यहाँ पे आपका माइक फिट आ जाएगा। तो उसके बाद हम लोग इसमें फिट करेंगे ये बैटरी। तो ये बैटरी फिट करने के बाद ये कवर हो जाएगा बंद। अब ये वाटर प्रूफ नहीं है गाइस, ये बात आप समझ लो। ये जब आप केस निकालते हो, इस केस के बाद GoPro आपका वाटर प्रूफ नहीं रहता। आपको अगर GoPro वाटर प्रूफ करना है तो ये केस लगाना बहुत जरूरी है। जब भी आप अंडर वाटर जाओगे तो ये केस के साथ ही GoPro लेके जाना। विदाउट दिस केस योर GoPro इज नॉट वाटर रेसिस्टेंट। सो अपना ये काम हो गया भाई, ये लग गया। अब आपका जो ये पिन है, ये जो प्लग है, ये जाएगा यहाँ पे इसके अंदर, ये हो गया आपका। देन आपको जो माइक है वो माइक जाएगा यहाँ पे, और आप यहाँ से आपका GoPro चार्ज भी कर सकते हो। और ये जो सेटअप है इससे आप आपके हेलमेट को अटैच कर सकते हो। और आपको जब जरूरत नहीं होगी तब ये एक छोटा सा लेंस प्रोटेक्टर दिया है, ये आप इस पे लगा के रखोगे, आपकी लेंस प्रोटेक्ट हो जाएगी। अब ये जो केस है, ये जो सिर्फ केस है, ये केस मुझे आया है 1500 में। काफी बिल्ड क्वालिटी इसका जबरदस्त है, धांसू है। तो ये जो केस है ये 1500 का केस है और ये भी मैंने अमेजोन से लिया है। और दूसरी चीज इसमें आप आपका जो भी माइक है, जैसे ऊपर आप अगर माइक लगाते हो तो वो भी आप यहाँ पे अटैच कर सकते हो। तो भाई ये सब फंडे है एक गोप्रो का मोटो व्लॉगर सेटअप लगाने में, और ये फंडे मैंने कैसे कैसे तो कंप्लीट कर लिए। ये सब चीज़ों को लगाते हैं हेलमेट पे, और आप फुटेज देख लो और वॉइस भी नोटिस कर लो। और यहाँ तक आए हो तो वीडियो ज़रूर लाइक कर देना। चलो मिलता हूँ आपको बाइक पे। सो भाई ये कुछ इस तरह से सेटअप बनेगा। ये अपना केस और ये अडेप्टर नीचे लगा है, और ये डंडी काफ़ी बाहर निकल रही है, इसका कुछ जुगाड़ करेंगे बाद में। और ये कुछ एसेसरीज लगा के इसको फिट कर दिया है मैंने मेरे हिसाब से। तो अभी देखते हैं इसका फुटेज कैसा आता है। और जो प्लग है वो मैंने यहाँ से इंसर्ट किया है, यहाँ पे एक जगह रहती है तो यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हो। तो चलो अभी फुटेज देखते हैं। तो चलो भाई चलते हैं और ऑन द वे फुटेज देखते हैं कैसा है इसका। लोग अजीब तरीके से देख रहे हैं यार, ये तो होता ही है। ओके सो भाई और बहनों ले स्टार्ट। अभी एक्चुअली मैं गैरेज जा रहा हूँ, मेरे दोस्त का गैरेज। छोटी मोटी मुझे चीज़ें करवानी है बाइक में, क्योंकि नेक्स्ट वीक मैं एक लंबी राइड के लिए जा रहा हूँ। सो उसकी प्रिपरेशन के लिए कुछ छोटी मोटी चीज़ें वो मुझे करवानी है, तो वो मैं करवाने जा रहा हूँ। और अभी जो मैं शूट कर रहा हूँ वो 1080 60 FPS पे शूट कर रहा हूँ। और जो माइक है मैंने मेरे चिक्स के पास रखा है साइड में, जहाँ पर मैं पहले प्रोकोस का रखता था। तो वॉइस कैसे आ रहा है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और एक्चुअली 2-3 सेटिंग मैंने की है, हालांकि थोड़ी बहुत देख के ही की है। तो आप में से कोई अगर गोप्रो मास्टर है, मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि आप में से कोई अगर गोप्रो मास्टर है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में सेटिंग ज़रूर बताना दोस्त, क्योंकि मैं इतना यूज़र फ्रेंडली नहीं हूँ गोप्रो के लेके। सो जस्ट मैंने अभी अभी स्टार्ट किया है, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो प्लीज़ मुझे बताना। और ये जो विंड नॉइस है ये कैसे कंट्रोल कर सकते हैं वगैरह, और जो छोटी मोटी सेटिंग है जो रेगुलर चलती है मोटो व्लॉग के लिए तो प्लीज़ मुझे वो बताना। अब बिटरेट करके एक सेटिंग आती है तो वो मैंने स्टैंडर्ड ही रखी है। तो उसका एक्चुअली क्या बेनिफिट है हाई रखने का, स्टैंडर्ड रखने का, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करना। जो भी गोप्रो मास्टर है, जो भी इस कैमरा के रिलेटेड जानकारी रखता है, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कुछ लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में बताया भी इससे पहले, तो उनके हिसाब से मैंने सेटिंग की है। और थैंक यू वेरी मच जिन लोगों ने भी मुझे सजेशन दिया। तो चलो अभी चलते हैं गैरेज। हाँ, ग्लव्स पहन लेने चाहिए थे, धूप है, मार्च का महीना चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा धूप है। रिग्रेट कर रहा हूँ मैंने ग्लव्स नहीं पहने, मुझे लगा जस्ट हार्डली मुझे 10 किलोमीटर जाना है, ग्लव्स की क्या ज़रूरत है, बट गलती कर दी। खैर तो जो मैं बात कर रहा था, जो नेक्स्ट वीक मेरी राइड होने वाली है अप्रॉक्सीमेटली 1500 की राइड होने वाली है। आप अगर वीडियो में बने रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और काफ़ी सामने से हवा आ रही है, तो आई डोंट नो मेरा वॉइस आपको कैसे आ रहा होगा। तो अभी मैं घर जाके फुटेज देखूंगा, फिर जैसे फुटेज है जिस तरह से विंड आ रहा है उसके फिर अकॉर्डिंग माइक को एडजस्ट करूंगा। और वाइजर तो मेरा खैर बंद ही है, लेकिन मेरी जो नीचे की गैप है, जो हेलमेट के नीचे की गैप, वो थोड़ी सी ज़्यादा ओपन है, जिस तरह से विंड यू नो ऐसे आता है और ऊपर चला जाता है। तो उसके लिए कुछ करेंगे धीरे धीरे। आई होप विंड की नॉइज़ ज़्यादा ना आ रहा हो, क्योंकि विंड नॉइज़ से पूरा वीडियो ख़राब हो सकता है। विंड नॉइज़ जो है उसको लेके मेरा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो जो विंड है वो मैंने ऑन रखा है, मतलब नॉइज़ कैंसिलेशन। तो उसमें 2-3 ऑप्शन है, गोप्रो 9 अगर किसके पास है तो उनको पता होगा। तो वो ऑप्शंस एक्चुअली मैंने काफ़ी सर्च किए, बट थोड़े बहुत मुझे कंफ्यूजिंग लगे। तो एक्चुअली मुझे नॉलेज नहीं इसके रिलेटेड, तो कोई गोप्रो 9 का जो मतलब गोप्रो रिलेटेड कोई जानकारी रखता हो विंड नॉइज़ का कैसे सेटिंग है तो प्लीज़ मुझे यार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, आपके बहुत हेल्प हो जाएगी। क्योंकि अभी भी मैं देख रहा हूँ शायद से विंड आ सकती है, विंड का जो नॉइज़ है ना वो आ सकता है। बस वो एक है। और छोटी मोटी चीज़ें जो आपको लगती है कि मुझे इम्प्रूव करना चाहिए मेरे गोप्रो में, मेरे वीडियोज़ में, तो प्लीज़ यार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और जो मैंने एंगल है वो मैंने वाइड रखा है, सुपर व्यू नहीं रखा है। उसका भी बेनिफिट है, मतलब सुपर व्यू से ज़्यादा दिखेगा बट ऑब्वियस, लेकिन मैंने वाइड ही रखा है, ज़्यादा सुपर व्यू भी नहीं रखा। तो देखते हैं वाइड में किस तरह से फुटेज मिलेगी, आई होप अच्छी ही मिले। हाईवे पे स्पीड ब्रेकर क्यों डालते हैं यार, पता नहीं। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको जो लेंस प्रोटेक्टर दिखाया था तो वो लेंस प्रोटेक्टर मैंने लगा भी दिया, मेरी जो लेंस है उसको, मतलब जैसे आप GoPro लेते हो वो लगाना ज़रूरी है ताकि जो आपकी मेन लेंस है उस पर स्क्रैचेस ना आ जाए। तो मैंने लगा दिया, भाई रिस्क क्यों लेने का। तो हम आ गए जी गराज में। चलो ये मिल गया। ये मेरा दोस्त मैकेनिक कभी मिलता नहीं मुझे टाइम पे, आज है तो चलो कुछ काम करवाते। थ्री 51 हो गए, ऑलमोस्ट 4 बज गए और जो भी मेरे काम थे छोटे मोटे, तो काम तो मेरे ऑलमोस्ट सब हो गए। अब राइड के लिए भाई अपनी बाइक एकदम तैयार है। सो अब फुटेज और वॉइस एग्जैक्टली मुझे पता नहीं किस तरह से आया होगा, तो वो मैं अभी घर जाऊंगा चेक करूंगा, उसके बाद आपको मिलूंगा। तो चलिए घर पहुंच के बात करते हैं। तो भाई घर पे आने के बाद मैंने मेरे GoPro 9 से ली हुई फुटेज चेक की। विंड नॉइस हालांकि अभी भी आ रहा है, मुझे उसको कैंसिल करना है या फिर कम करना है। तो वो सेटिंग किस तरह से होती है आपको अगर पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। और मेरे वीडियोस में मुझे क्या इंप्रूव करना चाहिए वो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया तो आ गया, लेकिन आपको अगर कुछ आइडिया हो तो प्लीज़ मुझे वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो। थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आपके सपोर्ट की ज़रूरत है यार, बस और कुछ नहीं। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन राइड सेफ, टेक केयर, बाय। और जैसे कि मैंने कहा था मेरी एक लंबी राइड होने वाली है, तो स्टे ट्यून विद चैनल। वीडियो को लाइक जरूर कर देना और शेयर जरूर कर देना। चलो बाय बाय।